अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिकली हमने जो मेथड किए हैं वो हमने किए दो मेथड, एक बाइसेक्शन का किया है और एक किया है हमने रेगुलर फोर्सिंग का। ये दोनों मेथड जो है हमारे क्लोज मेथड थे। क्लोज मेथड का मतलब ये होता है, जो कि आप लोगों को पता भी है ऑलरेडी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्लोज मेथड का मतलब ये होता है कि आपका जो मेथड है वो गारंटी दे रहा है कि आपका जो आंसर है उसके इनिशियल गैसेस के अंदर ही है। मतलब आप दो गैसेस ले रहे हैं इनिशियल, और इनिशियल गैसेस जो ले रहे हैं तो उसमें आपकी गैसेस इस तरह से हैं कि वो आपके रूट को एक एक इंटरवल में पैक कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आप ऐसी वैल्यू सजेस्ट कर रहे हैं जो एक रूट से आगे की है और एक रूट से पीछे की है। ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है कि जब आप फंक्शन पे एक वैल्यू पॉजिटिव ले लें और एक वैल्यू क्या ले लें, नेगेटिव, क्योंकि आपके फंक्शन जीरो है। अगर रूट है तो फंक्शन क्या है, जीरो है। तो आप एक वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं और एक वैल्यू क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये आप मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्लोज मेथड मतलब इंटरवल के अंदर मौजूद है, इसलिए वो क्लोज मेथड कहलाते हैं। क्लोज मेथड है तो गारंटी आंसर आने की। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आंसर जल्दी आएगा या देर में आएगा, वो मेथड टू मेथड वेरी करता है। ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत का मतलब ये होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा फंक्शन तो जल्दी आ सकता है, सिंपल सिंपल सा काम कर रहा होगा तो देर में आएगा। जैसे बाइसेक्शन है तो सिंपल मिड पॉइंट पर काम कर रहा होता है, तो उसका जो मेथड है कन्वर्जेंस का वो बड़ा देर में उसको कन्वर्ज करता है। लेकिन गारंटी है और आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान मेथड है। लेकिन अगर आप बात करें रेगुलर फोर्सिंग की तो थोड़ा सा उसका फॉर्मूला मुश्किल है। मुश्किल इन अ सेंस कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी वो कन्वर्ज जल्दी जाता है, ज़्यादातर कन्वर्ज जल्दी जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो कन्वर्ज देर से होता है। हमने पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल देखी भी थी। अब आज जो हमारा मेथड है वो है न्यूटन राफसन मेथड, और ये एक ओपन मेथड है। जो हमारा मेथड है न्यूटन राफसन मेथड वो एक ओपन मेथड है। ओपन मेथड का मतलब ये होता है कि इट मे और मे नॉट बी कन्वर्ज। मे और मे नॉट बी कन्वर्ज का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कन्वर्ज हो जाए, हो सकता है कि कन्वर्ज ना हो सकता है कि कन्वर्ज हो जाए और हो सकता है कि कन्वर्ज ना हो। क्या कैसे काम करेगा, जाहिर सी बात है उसकी पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, लेकिन पहले ओपन मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लें। ओपन मेथड इज नॉट अबाउट कि आपको दो गैसेज लेने। हो सकता है कभी आप किसी ओपन मेथड में एक गैस लेते हो, किसी ओपन मेथड में दो गैसेज लेते हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप इनिशियल गैसेज लेंगे तो आपको बाउंड्री चेक करने की जरूरत नहीं है कि एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आपको ये काम मतलब चेक ही नहीं करना, आपको ये काम चेक ही नहीं करना कि एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। बस आपने गैस लेना है। अब ये जो न्यूटन राफसन मेथड है, इस मेथड के अंदर आपने इनिशियल गैस एक लेना होता है। अब जब एक इनिशियल गैस होगा तो सोचने वाली बात है कि सर बाउंड्री तो बनेगी नहीं, एक बंदा कैसे किसी चीज को पैक कर सकता है। तो जब एक इनिशियल गैस होगा तो बाउंड्री तो बनेगी नहीं। अब इस मेथड की खूबसूरती यह है कि ये एक इनिशियल गैस से भी कभी कभी आंसर ले आता है और कभी कभी आंसर नहीं लाता। उसका मतलब है जब भी मैं ओपन मेथड पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रखूंगा, चाहे वो ओपन मेथड कोई सा भी हो। एक न्यूटन राफसन है, एक दूसरा है सीकेंट मेथड। अभी मैं सिर्फ न्यूटन राफसन की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं ओपन मेथड पढ़ रहा हूँ तो ओपन मेथड में मेरे पास ये गारंटी नहीं होगी कि आंसर आ सकता है। तो अब सर ये इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, दोबारा से सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ कि ओपन मेथड के अंदर ये गारंटी तो है ही नहीं कि सर ये कन्वर्ज होगा। तो अगर कन्वर्ज हो रहा है तो पता कैसे चलेगा, एरर कम हो रहा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर कन्वर्ज हो रहा है तो एरर कम हो रहा होगा, और अगर कन्वर्ज नहीं हो रहा है तो एरर ज्यादा हो रहा होगा। तो अगर एरर कम हो रहा है तो डेफिनेटली हम नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ाते रहेंगे। फिर वो जाहिर सी बात है वही वाली बात कि हम कॉपी में देखते हैं कि कितना काम कर सकते हैं, तो 6-7 आइटरेशन तक हम कर लेते हैं काम। लेकिन अगर ये कन्वर्ज नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, 6-7 आइटरेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा एरर बढ़ रहा है, तो हम अपने काम को रोक देते हैं और मैसेज दे देते हैं कि भाई ये कन्वर्ज नहीं हो रहा, डाइवर्ज हो रहा है। अगर हमको लाजमी आंसर चाहिए, पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, एक जर्नल बात कर रहा हूँ, अगर हमको लाजमी आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम फिर दोबारा कोई और इनिशियल गैस ले लेते हैं। तो कन्वर्ज ना करने का मेन रीजन क्या है, वो जो आपने इनिशियल गैस लिया है हो सकता है वहां से आपका आंसर ना आता, तो फिर आप इनिशियल गैस को चेंज करते हैं। डेफिनेटली आपका जो इनिशियल गैस है उस पर ही डिपेंडेंट है सारे मेथड। तो न्यूटन राफसन के पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम समझ लेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, उस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, काम करना है।
न्यूटन रैफसन मेथड एक बड़ा अच्छा मेथड है और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। फॉर द ब्रैकेटिंग मेथड दैट डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर द रूल इज लोकेटेड विद इन इंटरवल डिस्क्राइब बाय अ लोअर एंड अ अपर बाउंड। कह रहे हैं कि आपका आंसर जो है लोअर और अपर बाउंड में होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को बता चुका हूँ। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ दोस मेथड्स ऑलवेज रिजल्ट इन क्लोजर एस्टिमेट ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द रूट। कह रहे हैं कि जब हम उनकी बार बार आइट्रेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, रूट हमारा आ रहा होता है, क्योंकि एरर हमारा क्या हो रहा होता है, कम, और हम करीब करीब पहुँचते रहे। सच मैथड आर सेट टू बी कन्वर्जेंट। वो मैथड कन्वर्जन होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज दे मूव क्लोजर टू द रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेस। जैसे जैसे आप कंप्यूटेशन को इंक्रीज करते रहते हैं, आपका मैथड जो होता है वो कन्वर्ज करता रहता है। जबकि इनके मुकाबले में जो ओपन मैथड होते हैं उनको या तो एक पॉइंट चाहिए होता है या दो पॉइंट चाहिए होते हैं, डेट डू नॉट नेसेसरली ब्रैकेट द रूट। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप रूट को ब्रैकेट में पैक करें। एक होगा तो देखें फिर तो लॉजिक बनती नहीं है, दो होंगे जब भी ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, इसका मतलब है अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तब भी कोई मसला नहीं है। तो आई बिलीव कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा ओपन मैथड का। अब ओपन मैथड में जो पहला हमारा मैथड है वो कहलाता है न्यूटन रैफसन। अच्छा, जो ओपन मैथड होते हैं समटाइम्स डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है आंसर ना मिलना। डाइवर्ज का मतलब होता है कि बाहर दूर जाना, दूर जाना मतलब एक जगह पे पॉइंट पे नहीं जाना, दूर दूर हो जाना। तो दे समटाइम्स डाइवर्ज और मूव अवे फ्रॉम द ट्रू रूट एज द कंप्यूटेशन प्रोग्रेस। जब आपका एक्चुअल रूट होता है उससे ही आगे बढ़ता रहता है, दूर होता रहता है। और जब अच्छा इसको फिर इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि वैन द ओपन मैथड कन्वर्ज दे यूजली डू सो मच मोर क्विकली देन द ब्रैकेटिंग मैथड। कह रहे हैं अगर आंसर नहीं आ रहा तो वो तो देखें आपको इनिशियल गैस दोबारा लेना पड़ेगा, लेकिन समटाइम्स जब ये आंसर ला रहे होते हैं तो अगर मैं एक ही फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन न्यूटन रैफसन से सॉल्व करूं और एक ही क्वेश्चन बाइसेक्शन से या रेगुलर फोर्स से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूटन रैफसन बहुत जल्दी आंसर ले आता है अगर ला रहा होगा। तो अगर फर्ज करें वो चार हाइड्रेशन ले रहा तो हो सकता है तीन में लिया, हो सकता है वो दस हाइड्रेशन ले रहा है तो हो सकता है छह में लिया, अगर नहीं ला रहा तो नहीं लाएगा। लेकिन कंपैरेटिवली जब ये आंसर ला रहे होते हैं तो यूजुअली डू सो मच मोर क्विकली देन द ब्रैकेटिंग मेथड। तो एक फायदा ये है इनको यूज करने का। अब न्यूटन रैफसन की थोड़ी सी आप प्रैक्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लें ताकि आपको समझ में आए काम कैसे कर रहा है। ये आपका ब्लू वाली लाइन जो है आपका फंक्शन है, ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन आपका क्या है, फंक्शन। अब थोड़ा सा अगर हम याद करें, अगेन आपकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए इस कोर्स को पढ़ते हुए, अगर हम थोड़ा सा याद करें कि ये ब्लू वाली लाइन जो है हमारा फंक्शन है एफ ओ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना होता है कि हमने एक इनिशियल गैस लिया। अब देखें हमने इनिशियल गैस क्या लिया, एक्स आई। यहाँ ए और बी की फॉर्म में बात नहीं करूंगा मैं बात करूंगा एक्स आई की। आपने जो भी इनिशियल गैस लिया वो कोई एक्स होगा, उस एक्स को आपने एक्स आई कह दिया। एक्स आई, आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो वन टू थ्री फोर। तो जब आई हो गया हमारे पास इनिशियली जीरो, मतलब आई हो गया जीरो, तो हमने क्या हो गया एक्स जीरो को सपोज कर लिया, एक्स जीरो कुछ ना कुछ होगा। तो ये एक्स आई क्या है, आई आई नंबर आइट्रेशन नंबर, तो ये कोई ना कोई एक्स होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना है कि इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इस पे क्या निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर मैं इसको अगेन एफ ओ एक्स आई या एक्स जीरो कह दें, तो मैंने एक्स नॉट सपोज किया और उस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली, एफ ओ एक्स नॉट। ये एक्स आई है या एक्स नॉट है और ये इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ओ एक्स नॉट। ये दो बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना होता है, अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। अगर आप याद करें स्लोप की बात कर रहा हूँ, हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो के फंक्शन पे एक्स की वैल्यू से गुजर रही हो। मतलब इस तरह से लाइन सपोज करें, ये लाइन जो ब्लैक वाली बनी हुई ना, ये सपोज कर लें कि एक टेंजेंट है जो कि सिर्फ इस पॉइंट से कट करते हुए जा रहा है, जो कि सिर्फ इस पॉइंट से कट करते हुए जा रहा है। जैसे ही हमने इसको इस पॉइंट से कट किया तो अब एक ये ब्लैक वाली लाइन आ गई। तो अब आपके पास एक ब्लू वाली लाइन है, एक ब्लैक वाली लाइन, एक आपके पास ब्लू वाली लाइन है और एक क्या है, ब्लैक वाली लाइन, सही है, एक आपके पास ब्लू वाली लाइन है और एक ब्लैक वाली लाइन है। अब अगर मैं इस ब्लैक वाली लाइन को पूरा कंसिडर करूं तो देखिये ये यहां जो कट कर रही होगी ये वही पॉइंट होगा जो एफ ओ एक्स आई था, ये यही पॉइंट है जो एक्स ओ एक्स आई था। तो इसका मतलब है मेरे पास ब्लू वाली लाइन में भी वही पॉइंट है और ब्लैक वाली लाइन में भी वही पॉइंट है। तो मैं ब्लू वाली लाइन का एफ ओ एक्स आई ब्लैक वाली लाइन के लिए एफ ओ एक्स आई यूज कर सकता हूँ। अब ये आगे जाके कहीं कट करेगा,
जहां पर ये कट करेगा उसको मैं कह रहा हूं एक्स आई प्लस वन। क्या कह रहा हूं? एक्स आई प्लस वन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स आई, इससे एफ ओ एक्स आई निकाला, लाइन कट की और यहां पर एक्स आई प्लस वन आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं इस ब्लैक वाली लाइन में आपको कितने, आपको दो पॉइंट पता है तो आप बोलेंगे सर एक पॉइंट ये है ब्लैक वाली लाइन का और एक पॉइंट ये है। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या लिखा हुआ, तो आप बोलेंगे सर देखें अगर मैं इसका एक्स और वाई की फॉर्म में आपसे बताऊं, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो देखें एक्स इसका क्या है, इसका एक्स दिख रहा है मुझे एक्स आई प्लस वन ऐसा ही है, और वाई क्या दिख रहा है जीरो, क्योंकि ये किस पे है एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसकी दो वैल्यूज हैं, एक एक्स आई प्लस वन है और वाई की वैल्यू क्या है जीरो। होपफुली ये समझ में आ गया होगा ये क्या है एक्स आई प्लस वन और ये क्या है जीरो। इसी तरीके से इसकी अगर बात करूं तो इसके ये पॉइंट एग्जैक्टली वही है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये क्या है एक्स आई कॉमा एफ ओ एक्स आई। ठीक है भाई, तो ये दो पॉइंट ब्लैक वाली लाइन के हो गए। अगर मैं ब्लैक वाली लाइन के दो पॉइंट पूछ लूं आपसे तो आप बोलेंगे सर ब्लैक वाली लाइन के दो पॉइंट है एक्स आई एफ ओ एक्स आई और एक्स आई प्लस वन और जीरो, एक्स आई एफ ओ एक्स आई और एक्स आई प्लस वन जीरो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लैक वाली लाइन है इसका स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप स्लोप y2 माइनस y1 ऐसा ही है y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में सब जगह पढ़ा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये ब्लैक वाली लाइन का स्लोप निकाल लें आप, तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, हमें ये चार पॉइंट बता दें हम तो स्लोप निकाल लेंगे। सही है, अगर हमें ये चार पॉइंट पता चल जाए तो हम स्लोप निकाल लेंगे। इन चार पॉइंट को अगर मैं यूज करते हुए यहीं पर ही जगह बना के मैं इनको फॉर्मूले में पुट करूं, देखें सबसे पहले स्लोप। अच्छा स्लोप जो होता है स्लोप स्लोप, अब आप में से जितने लोग मैथ में थोड़े अच्छे हैं उनको आइडिया होगा स्लोप बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं। स्लोप बेसिकली क्या कहलाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूं किसी भी फंक्शन का तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं एफ ओ एक्स डैश से। किसी भी चीज का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो मैं उसको डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो दो डैश लगा दूं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्लोप बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, तो स्लोप की जगह मैंने लिख दिया एफ ओ एक्स डैश। स्लोप की जगह मैंने क्या लिख दिया एफ ओ एक्स डैश। मुझे बताएं वाई टू क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स टू वाई टू ले रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स टू वाई टू ले रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स टू वाई टू ले रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स टू वाई टू ले रहा हूं, तो देखिए वाई टू क्या एफ ओ एक्स आई। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर लिख सकता हूं एफ ओ एक्स आई, ठीक है, और ये वाई टू है अगर तो ये वाई वन होगा, या वाई वन क्या है जीरो, तो ये जीरो। अब मैं इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं एक्स आई प्लस वन, ये हो गया हमारा y2 माइनस y1। आई बिलीव कि ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे लिखूं x2 माइनस x1, तो चूंकि ये पॉइंट x2 था तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स आई माइनस एक्स आई, ये i प्लस वन जो भी है सबस्क्रिप्ट है, ये कैलकुलेशन नहीं है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो फर्दर सॉल्व करके क्या होगा, फर्दर सॉल्व करके सर पता चल रहा है कि एफ ओ एक्स आई तो ये आ गया, लेकिन एफ ओ एक्स आई प्लस वन क्या है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या एक्स आई प्लस वन जीरो, यहाँ जीरो आ गया। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, तो मैं जरा जितना मैं यहाँ कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका पूरा दिखा दूंगा। तो ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन। अब अगर आप गौर से स्क्रीन पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है भाई। अब अगर मैं इस चीज को अपने बॉक्स में पैक कर दूं, सिर्फ इतनी चीज को बाकी इग्नोर करें सबको, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, आपने बोला सर एफ ओ एक्स आई, देखिए एक्स आई हमने सपोज किया था तो एफ ओ एक्स आई और एक्स आई हमें पता होगा, फंक्शन पे एक्स आई पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक अननोन है वो क्या है एक्स आई प्लस वन, ये जो हमारा नया रूट था। जब मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये नया रूट आ रहा है मेरे पास, इस रूट को मैं इस इक्वेशन को अरेंज करके एक्स आई प्लस वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ यूजिंग ओनली एक्स आई। मुझे एक्स आई चाहिए, मुझे फंक्शन पे एक्स आई की वैल्यू चाहिए,
और मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन पे एक्स आई की वैल्यू का, तो जब मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूंगा तो एक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फर्ज करें इसी को कंटिन्यू चलाऊं, तो अब देखें मेरा ये पॉइंट हो गया बेटा। अब अगर मैं वही अजम्पशन लेके चलूं तो ये देखें, मैं दोबारा से इसको यहाँ बनाऊंगा पॉइंट, फिर दोबारा से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये देखें टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये देखें इस तरह से कुछ टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो आपका रूट करीब जा रहा है। तो पहले देखें एक्स आई था, एक्स आई प्लस वन था, अब जो नया होगा उसको मैं क्या कह दूंगा, एक्स आई प्लस टू। फिर जब ये पॉइंट आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स आई प्लस वन तो मिल जाएगा यहाँ से, फिर मैं इसको रूट ड्रॉ करूंगा। ये देखना तो इस तरीके से मुझे रूट जल्दी मिल सकता है। तो ये इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए आपको ये बात, ये काम कैसे हो रहा है। ये देखिएगा, ये देखें ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, और ये इन्होंने वही जो मैंने आपको ले आके छोड़ा था, और फिर आप इसको अरेंज कर लें इस इक्वेशन को, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। इस इक्वेशन को अरेंज करने में कोई मसला नहीं है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको इधर लेके चले जाऊँ और इसको इधर लेके चले जाऊँ तो ये बन जाएगा एफ ओ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई, और फिर यहाँ से मैं एक्स आई में से माइनस कर दूँ, तो सिंपल सी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अरेंज होकर आ रही है, बस इक्वेशन को समझ लें। तो फर्ज करें आपके एक्स आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो। आई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जो आप इनिशियल गैस लेते हैं, जो इनिशियल गैस लेते हैं वो क्या बन जाएगा, एक्स नॉट, एक्स नॉट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ ओ एक्स नॉट, नॉट मतलब, और अगर मैं इसको फर्दर अगर थोड़ा सा बेहतर कर दूं तो ये आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा कि एफ ओ एक्स नॉट हो गया, और ये हो गया एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है, आपका फॉर्मूला बन गया। और चूंकि आई उसकी वैल्यू जीरो है, किसकी, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है, तो जब मैं एक्स आई प्लस वन लिखूंगा तो एक्स जीरो प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया, लेकिन ये आपका राइट हैंड साइड समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, एक्स आई प्लस वन, तो अगर आई की वैल्यू जीरो ही रखें तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखें आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स जीरो प्लस वन इक्वल टू, तो अगर ये आप इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, ये देखें एक्स जीरो प्लस वन, तो अगर जीरो प्लस वन को हम लिखते हैं तो एक्स वन हो गया, तो इसका मतलब है एक्स वन को यूज करते हुए एक्स वन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब मैं एक्स वन निकाल लूंगा तो जब एक्स टू निकालना हो तो क्या यूज होगा, इन सब जगह पे वन 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 आ जाएगा, जब एक्स थ्री निकालना हो तो क्या यूज होगा, इन सब जगह पे टू 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 आ जाएगा। तो सिंपल था फॉर्मूला। अब ये क्या चीज है, ये आपका इनिशियल गैस था, ये आपने फंक्शन में इनिशियल गैस को पुट किया, और ये क्या है, ये आपने इनिशियल गैस को पुट फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इनिशियल गैस पुट कर दिया। ये मैं आपको एक एग्जांपल करवा भी दूंगा कि फंक्शन में आपने इनिशियल गैस पुट करके फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। तो इसमें एक एक्स्ट्रा काम है, लेकिन ये ज्यादा आसान है कि आप इसमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेके रखते हैं हमेशा। और इसका मतलब ये नहीं है जैसे जैसे आइटरेशन बढ़ती रहती है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है थर्ड हो जाता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपको इक्वेशन दी जाएगी, आप सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लें। अगर आप इस फंक्शन को एफ ओ एक्स कह रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कहते हैं एफ डैश एक्स, इसको अगर आप एफ ओ एक्स कह रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कहते हैं एफ डैश एक्स, और उसके बाद ये काम करते रहे। सबसे आसान मेथड है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी और इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन भी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल से होते हैं, हमें थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, अदरवाइज और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो ये न्यूटन राफ्सन का फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ ये इनिशियल गैस लेके आप काम को कर रहे होते हैं। आपने इसमें ये भी नहीं देखना होता कि अपडेट क्या करना है, ना आपने इसमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, आप बस काम करते रहते हैं। हाँ, एरर आप निकालते हैं, तो एरर कैसे निकलते हैं, एरर वही करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये देखें एक एग्जांपल हमें दी हुई है कि यूज द न्यूटन रैफसन मेथड टू एस्टीमेट द रूट ऑफ एफ ओ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स इंप्लाइंग एज इनिशियल गैस ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमें दी हुई है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं क्या है। एक फंक्शन है जिसमें ई टू द पावर माइनस एक्स है और माइनस एक्स है, और एक्स नॉट हमें क्या दिया हुआ है, हमें या तो हम खुद भी ले सकते हैं या ज्यादातर केसेस में इनिशियल गैस जीरो लिया जाता है या वन लिया जाता है, वो देखा जाता है कि इनिशियल गैस जीरो लेना है या वन लेना है, ज्यादातर केसेस में इस तरीके से ले। अब देखें सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। तो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैथ्स थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है इस कोर्स में, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव याद होने चाहिए थोड़े बहुत कि भाई एप्सिलॉन का
एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस क्या क्या होता है. ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले नहीं होंगे लेकिन सिंपल जो है वो तो याद होने चाहिए. तो हमें पता है ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ले तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो ई टू दी पावर ही होता है. तो अगर मैं आपसे बोलूँ ई टू दी पावर एक्स है तो बेसिकली ये होता है कि ई टू दी पावर दोबारा से एक्स आ जाता है, ठीक है, दोबारा से एक्स आ जाता है और जो एक्स है उस पावर का भी डेरिवेटिव आता है. चूंकि वन होता है तो वन ही आता है, लेकिन अब जो माइनस है तो देखिए ई टू दी पावर एक्स का माइनस आया और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो हो गया माइनस वन. तो ये पूरा सॉल्व करके जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स. मतलब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बेस का जब आप पावर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आएगा. तो ये आपके पास आ गया ये, और जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ये वाले का यहाँ आ जाएगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आएगा. तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दूं यहाँ पर तो ये हमें खुद निकालना पड़ेगा और ये एक ही दफा निकालना है, ठीक है. ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये पीछे हुआ हुआ, ठीक है, मतलब आगे हुआ हुआ. ये देखें, ये देखें, अब आपने ये सबसे पहले पहला स्टेप किया, ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला था, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लें. एक्स आई प्लस वन एक्स आई माइनस एफ ओ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई. ये देखें एक्स आई प्लस वन एक्स आई माइनस एफ ओ एक्स आई एफ डैश एक्स आई. अब एफ ओ एक्स आई की जगह पे इक्वेशन लिख दें, एक्स आई का सबस्क्रिप्ट लिख के, और एफ डैश एक्स आई की जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन लिख दें. तो देखें मैंने दोनों जगह पे इक्वेशन लिख दी. अब बस मुझे क्या करना है, आई की आइटेशन बढ़ाते रहो और जो वैल्यूज आती रहो उनको नेक्स्ट आइटेशन में सॉल्व करते रहो. तो देखें स्टार्टिंग विद इनिशियल गैस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो दिस iterative action can be applied to compute the values in the following table. देखें अब मैं सबसे पहले अगर x not की जगह पे 0 लिखूं तो देखें e to the power 0 minus 0 minus e to the power 0 minus 1. तो e to the power 0 किसके बराबर होता है, 1 के. किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1. ऐसा ही ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 minus 0 minus 1 minus 1. तो ये देखें जब मैंने x i, अब यहां पर ना सिंपल सा टेबल है, सिंपल सा टेबल है. सिंपल सा टेबल क्यों है, क्योंकि क्योंकि आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आप एक्स आई की वैल्यूज पे खेल रहे, ठीक है. तो ये माइनस वन टू हो गया, माइनस टू ऊपर आ गया वन, तो वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू पॉइंट फाइव हो जाएगा. देखें पॉइंट फाइव आ गया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे जाहिर सी बात है पूरा, तो ये पॉइंट फाइव आ गया. अब नेक्स्ट आइटरेशन में एक्स एक्स की जगह पे क्या पुट होगा, पॉइंट फाइव. तो पॉइंट फाइव जब पुट करूंगा इस पूरे फॉर्मूले में तो ये आंसर देगा पॉइंट फाइव डबल सिक्स. फिर जब 0.566 पुट करूंगा पूरे फॉर्मूले में तो ये क्या आंसर देगा, इस तरीके से देखें. और एरर कैसे निकाल लें, आप फर्स्ट आइटरेशन में आप एरर लिख दें 100, क्योंकि आपके पास प्रीवियस वैल्यू नहीं है. चाहे तो एरर ना लिखें चाहे तो आप एरर लिख दें, लेकिन सेकेंड आइटरेशन में आप एरर कैसे निकालेंगे, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो देखें फर्स्ट आइटरेशन में 11.8% आया, फिर देखिए चौथी आइटरेशन में ही आपका एरर कितना कम होगी, मतलब थर्ड आइटरेशन में. अब अगेन कोई स्टूडेंट मुझसे बोले सर यहाँ पर एरर आ तो गया था तीन तीन डेसिमल प्लेसेस तक, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए हो रहा है. तो अगर आपको कहा है कि तीन डेसिमल प्लेसेस तक जीरो आ जाए तो आप यहाँ रुक जाएंगे, आप यहाँ तक नहीं जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक जाएं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है. जब हम समझ रहे होते हैं कोई चीज तो हम एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं, ठीक है. तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. ये एक पहली एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको दिखा दिया.